गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी ने प्रीमियम के बारे में जरूर सुना है। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले प्रीमियम का मीनिंग समझेंगे, इसके बाद ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रीमियम को प्रभावित करते हैं, प्रीमियम जब कंपनी डिटरमाइन करती है तो उस समय कंपनी के द्वारा उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है, तो ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम इज ए मॉनेटरी कंसिडरेशन विच पासेस फ्रॉम इंश्योर्ड टू इंश्योरर, यानी बीमा प्रीमियम एक मौद्रिक प्रतिफल है जो बीमित के द्वारा बीमाकर्ता को दिया जाता है। यानी मौद्रिक प्रतिफल कैसे है कि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, जीवन बीमा अनुबंध है, जिसमें बीमा कंपनी बीमित से एक वादा करती है कि एक निश्चित अवधि से पहले यदि बीमित की मृत्यु हो जाती है या निश्चित अवधि पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो भी पहले हो, चाहे वो सर्टेन पीरियड हो या फिर जो अश्योर्ड है उसकी डेथ हो जाए, तो जो भी अवधि पहले हो उस पर बीमा कंपनी के द्वारा बीमित या उसके जो डिपेंडेंट है उनको सर्टेन अमाउंट का भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो प्रीमियम पे किया जाता है बीमित के द्वारा इंश्योर्ड के द्वारा इंश्योरेंस कंपनी को, तो ये प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक प्रकार से मॉनेटरी कंसिडरेशन है। जो बीमित के लिए या इंश्योर्ड या जिसको हम अश्योर्ड के नाम से भी जानते हैं उसके लिए मॉनेटरी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या होगा, अश्योर्ड के लिए कंसिडरेशन है जो वादा बीमा कंपनी बीमित से करती है कि किसी निश्चित घटना के घटित होने से या मृत्यु होने पर या एक निर्धारित अवधि के बाद वो उसे एक सर्टेन अमाउंट का भुगतान करेगी। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है। तो ये जो प्रीमियम है वो एक प्रकार से आप मंथली पे कर सकते हैं, क्वार्टरली पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली और ईयरली पे किया जा सकता है। जनरली प्रीमियम का भुगतान एडवांस में किया जाता है, यदि आप ईयरली प्रीमियम पे करते हैं तो आपको कम प्रीमियम पे करना पड़ता है, थोड़ा आपको उसमें रियायत मिलती है। और यदि आप प्रीमियम पे नहीं करते हैं तो उसके बाद जैसे आप डिफॉल्ट कर जाते हैं और आपको जो एक जो ग्रेस टाइम दिया गया था उसमें भी आपने प्रीमियम नहीं किया पे किया है तो आपकी जो पॉलिसी है उसका जो सुरक्षा कवर है वो समाप्त हो सकता है। इसलिए जब भी पॉलिसी या बीमा खरीदते हैं तो उसमें एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आप उसका जो प्रीमियम है उसमें किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं करें, रेगुलर प्रीमियम पे करते रहें ताकि जो बीमा का जो सुरक्षा कवर है वो बना रहे। तो ये जो जनरल मीनिंग था प्रीमियम का। अब इसके बाद हम समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं प्रीमियम को। तो आइए समझते हैं वन बाई वन, इसमें हम 11 जो फैक्टर्स हैं उनको समझेंगे। सबसे पहले रेट ऑफ मोर्टिलिटी, यानी मृत्यु दर कितनी है। मोर्टिलिटी एक जो इंडियन एक्चुरीज इंस्टीट्यूट है वो डिसाइड करता है, वो तैयार करता है मोर्टिलिटी टेबल। मोर्टिलिटी टेबल क्या है कि किसी पर्टिकुलर एज में जो 1,00,000 व्यक्ति है उन पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या डिसाइड की जाती है। ठीक है कि जैसे 25 साल की एज में 1,00,000 में से 1,00,000 लोगों को यदि हम लेते हैं तो उसमें कितने व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है एवरेज। ठीक है ना, इसी प्रकार से 26 साल की एज के जो 1,00,000 व्यक्ति हैं जिन्होंने बीमा करवाया है उसमें से कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो मोर्टिलिटी टेबल है जो एक्चुरीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड की जाती है तो उसको ध्यान में रखकर बीमा कंपनियां जो प्रीमियम है वो डिसाइड करती है। आपको पता है कि जो एज कम होती है
तो कम एज के अंदर जो मृत्यु की संभावना कम होती है, मोर्टिलिटी रेट कम है, लेकिन जैसे जैसे आप एज बढ़ती जाएगी मृत्यु की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ती जाती है और मोर्टिलिटी रेट है वो भी बढ़ती जाती है। जैसे आप 40 के बाद में 50, 60, 70 तो फिर वो मोर्टिलिटी रेट तेजी से बढ़ेगी, लेकिन 25 साल, 30 साल, 35 साल तक, 40 साल तक जो मृत्यु दर है या मोर्टिलिटी रेट है वो कम होती है। तो सबसे पहले जो ध्यान रखा जाता है बीमा कंपनियों के द्वारा वो मोर्टिलिटी रेट है कि कितने व्यक्ति है प्रत्येक एज ग्रुप के अंदर और उनकी मृत्यु होती है। ये एक प्रकार से जो टोटल क्लेम का अमाउंट है वो डिसाइड करने में बहुत बड़ी मदद करता है बीमा कंपनियों की। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर इसको हम जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, बीमा कंपनियों के पास एक रेगुलर जो अर्निंग है या कैश इनफ्लो है वो बना रहता है और वो उस फंड को जो डिफरेंट सिक्योरिटीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ताकि उनको एक प्रॉपर रिटर्न मिलता रहे टाइम टू टाइम और जो फंड है वो आइडियल ना रहे। ठीक है, इस प्रकार से जो आप पैसा पे करते हैं सभी लोग प्रीमियम के रूप में तो इतना पैसा यूज नहीं होता इंश्योरेंस कंपनी के लिए, तो वो उसका इन्वेस्टमेंट कर देती है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट पर अर्निंग कितनी होती है, ठीक है, उस ये भी जो फैक्टर्स है आपके प्रीमियम की अमाउंट को प्रभावित करता है। एक प्रकार से ये बीमा कंपनी की अर्निंग है, ठीक है ना, जो आपने पैसा बीमा कंपनी को दिया है बीमा कंपनी ने उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो यहाँ पर यदि अर्निंग ज़्यादा है तो हो सकता है बीमा कंपनी आपसे कम प्रीमियम चार्ज करे, और यदि अर्निंग नहीं है या अर्निंग बहुत ही कम है तो हो सकता है वो उसके लिए ज़्यादा प्रीमियम भी चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेट ऑफ एक्सपेंसेस, यानी बीमा कंपनी को बहुत सारे जो खर्चे हैं वो करने पड़ते हैं इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर और उनको भी हमें ध्यान रखना है। ये जो एक्सपेंसेस है इनको आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इनिशियल एक्सपेंसेस है, रिकरिंग एक्सपेंसेस है, सर्विस एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस। इनिशियल एक्सपेंसेस क्या है, एक प्रकार से मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा वन बाय वन ये सभी, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस है, ये अलग अलग कैटेगरी के वाइज कंपनी के द्वारा जो रेगुलर बेसिस पर किए जाते हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, सबसे पहले इनिशियल एक्सपेंसेस, ये जो नई पॉलिसी जारी किए जाते हैं उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे जो एजेंट है उनको कमीशन देना है या जो डेवलपमेंट ऑफिसर है बीमा व्यवसाय को बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं उनको सैलरीज देना है, जो एडवर्टीजमेंट है या पब्लिसिटी एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल टेस्ट एक्सपेंसेस है, जो लोग बीमा करवाने चाहते हैं उनका मेडिकल टेस्ट करने पर जो खर्च किया जाता है वो खर्चा भी क्या है इनिशियल एक्सपेंसेस की कैटेगरी में शामिल है। इसके अलावा एप्लीकेशन जो स्क्रूटनी एक्सपेंसेस है, जो आवेदन बीमा कंपनी के पास प्राप्त होते हैं तो उनमें छंटनी करना पड़ता है कि किन व्यक्तियों का बीमा किया जा सकता है और किन व्यक्तियों का बीमा नहीं किया जा सकता, तो उनसे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है उसको जो जो फॉर्म होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म उनको स्क्रूटनी छंटनी करना है, किनका बीमा नहीं करना है उनको बाहर करना है, बीमा करना है तो उनको आगे प्रोसेस करना है, तो इस प्रकार से। इसके अलावा जो पॉलिसी जो लेटर है वो प्रिपेयर करने का एक्सपेंसेस है, जो पॉलिसी लेटर होगा या जिसको हम पॉलिसी बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं तो उस पर जो स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाती है, रेवेन्यू शुल्क लगाया जाता है, तो उसको उसका भी खर्चा जोड़ना है। इसके अलावा देखिए रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या है, ये एक प्रकार से रेगुलर बेसिक नेचर के एक्सपेंसेस हैं जिसमें जब भी किसी पॉलिसी पर प्रीमियम ड्यू होता है तो उसकी सूचना उसका नोटिस हम इंश्योर्ड को भेजते हैं तो उसका खर्च है, जो रिसिप्ट हम प्रीमियम रिसिप्ट, ठीक है ना, उसको प्रिंट करवाते हैं या फिर जो प्रीमियम है उसको उसके पेमेंट को हम एक्सेप्ट करते हैं तो उसका रिसिप्ट है उसकी प्रिंटिंग है, या जो हम प्रीमियम पे करने के बाद जो उसको एक्नोलेजमेंट रिसिप्ट देते हैं उसका एक्सपेंसेस है, या इसके अतिरिक्त जो हम जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनकी अकाउंटिंग करना है,
उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो भी रिकरिंग एक्सपेंसेस में शामिल की जाते हैं, तो इनको भी ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा देखिए सर्विस एक्सपेंसेस में क्या है कि कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सपेंसेस जो पत्राचार किया जाता है, ठीक है ना, जो बीमित और बीमा कंपनी के माध्यम से उस पर भी खर्चे होते हैं। इसके अलावा जो मैच्योरिटी पर या डेथ के टाइम पर जो भुगतान करना है उसके एक्सपेंसेस हैं। असाइनमेंट और नॉमिनेशन ऑफ पॉलिसी, यानी जब पॉलिसी को हम असाइन कर सकते हैं, हस्तांकन कर सकते हैं, उसका नामांकन से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो सर्विस एक्सपेंसेस में काउंट किए जाते हैं। एड्रेस आपको चेंज करवाना है, पता बदलवाना है, तो उसके खर्चे हैं। पॉलिसी को सरेंडर करने से रिलेटेड खर्चे हैं, या पॉलिसी पर जो लोन की जो सुविधा मिलती है उससे संबंधित जो खर्चे हैं, तो ये सभी एक प्रकार से सर्विस एक्सपेंसेस में काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस में जैसे लीगल एक्सपेंसेस हो गए, कोई क्लेम से रिलेटेड कोई विवाद हो गया तो उसमें वकील को फीस देना है, या अन्य कोई खर्चे हैं। फिर उसके बाद है एक्सपेंसेस फॉर कैलकुलेटिंग प्रीमियम, प्रीमियम की गणना करने के लिए भी जो एक्चुरीज को हम पैसे देते हैं, सैलरी देते हैं, तो वो भी खर्चा है। जो एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट है वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, तो उसके भी खर्चे हैं। इसके अतिरिक्त जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस में क्या है कि जब कंपनी जो सरप्लस फंड को डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करती है, तो उस पर देखिए जो ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं, ब्रोकरेज फीस वगैरह है, या कई बार जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हानि हो जाती है, तो वो सभी खर्चे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस। तो इनको ध्यान में रखा जाता है कि ये खर्चे कितने हैं, कितने परसेंट खर्चे हो रहे हैं। ज़्यादा खर्चे होंगे तो प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा, खर्चे कम है तो फिर प्रीमियम कम में भी काम चल सकता है। नेक्स्ट है रिजर्व फंड। अब देखिए रिजर्व फंड का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि कंपनी को देखिए जब अचानक क्लेम आते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो कंपनी को क्लेम का भुगतान करना पड़ता है, और उस भुगतान करने के लिए अचानक क्या है जो इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ से विड्रॉल नहीं कर सकते, उसको एक प्रकार से लिक्विड जो फंड है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है ना। उसमें से जो क्लेम है उनका भुगतान किया जाता है, तो उसका साइज कितना बड़ा होगा रिजर्व फंड का, तो उसके आधार पर भी, या जो प्रीमियम है उसमें कितना प्रीमियम हम रिजर्व फंड में ट्रांसफर करेंगे, तो उसके आधार पर भी प्रीमियम की रेट है वो प्रभावित हो सकती है। इसके बाद है एज। एज का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। जो बीमित है, जो अश्योर्ड है, उसका एज कितना है, यदि उसका एज 20 साल, 25 साल, 30 साल होता है, तो ऐसी एज में जोखिम कम होती है, तो कम प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। लेकिन यदि 50 साल, 55 साल के व्यक्ति हैं, तो उससे उसमें क्या जो डेथ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो उससे प्रीमियम ज़्यादा चार्ज किया जाता है। अब 60 साल से ज़्यादा के एज के व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों का बीमा कंपनी बीमा करने से मना भी कर सकती है, और जनरली होता भी ऐसा है। उसके बाद है नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट हेल्थ। देखिए हेल्थ का भी बहुत बड़ा रोल है कि जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो और कोई बीमारी नहीं हो, तो उस व्यक्ति का बीमा कंपनियां कम प्रीमियम चार्ज करके भी प्रीमियम कर जो इंश्योरेंस कर सकती है। लेकिन जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसको अलग अलग प्रकार की, जैसे एक कोई व्यक्ति है जिसको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के पेशेंट का जो बीमा करने से बीमा कंपनी इनकार भी कर सकती है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि बीमा कंपनी इस प्रकार के व्यक्तियों से अतिरिक्त प्रीमियम चार्ज करके, एडिशनल प्रीमियम प्राप्त करके, और डायबिटीज़ के पेशेंट का भी बीमा कर सकती है। तो इसके आधार पर जो हेल्थ है वो प्रभावित करता है प्रीमियम की राशि को। इसके अलावा गारंटीड बोनस। देखिए कुछ पॉलिसीज ऐसे होते हैं जिसमें ईयरली बेसिस पर या एक इंटरवल बेसिस पर बीमा कंपनी के द्वारा बोनस का भुगतान किया जाता है। जैसे 4 साल के बाद में आपको कुछ राशि है मनी बैक के रूप में प्राप्त होगी, या 1 साल के बाद, या 2 साल के बाद, या 5 साल के बाद, तो इस प्रकार का, या फिर मेजोरिटी के समय, तो बोनस यदि आपको मिलेगा तो उसको ध्यान में रखकर भी प्रीमियम की रेट है वो मॉडिफाई की जा सकती है।
नेक्स्ट है फैसिलिटीज इन पॉलिसीज। जो आपने बीमा पॉलिसी चार्ज की है उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको दी गई है, उसके आधार पर भी जो प्रीमियम की राशि है वो जो है प्रभावित हो सकती है। फैसिलिटीज में क्या हो सकता है कि आपकी पॉलिसी है उसमें क्या लोन की सुविधा है, लोन फैसिलिटी है, या क्या उसमें सरेंडर वैल्यू की फैसिलिटी है, क्या उसमें मनी बैक का ऑप्शन है, क्या उसमें जो एक्सीडेंट बेनिफिट भी जुड़े हुए हैं। तो ये डिफरेंट प्रकार के जो फैसिलिटीज हैं क्या उसके अनुसार भी पॉलिसी का प्रीमियम है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ पॉलिसीज। अब देखिए नेचर ऑफ पॉलिसीज में मैंने आपको अलग अलग प्रकार के पॉलिसीज करवाए थे, जिसमें होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, एंडाउमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, या ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है, या सैलरी सेविंग इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो उनको ध्यान में रखा जाता है, उसके अनुसार अलग अलग प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। इसमें एक बात आपने समझी थी कि जो होल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी है उसमें पूरे जीवन भर प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, तो इसलिए कम पैसे प्रीमियम भी चार्ज किया जा सकता है। और जिसमें जैसे एंडाउमेंट पॉलिसी में एक सर्टेन पीरियड तक ही आपको प्रीमियम पे करना है, तो डेफिनेटली उसमें प्रीमियम आपसे ज़्यादा लिया जाता है। नेक्स्ट है और ग्रुप इंश्योरेंस में क्या है कि आप ग्रुप में करवाते हैं, मेडिकल टेस्ट होता नहीं है, ठीक है ना, और सिमिलर रिस्क होता है, तो इस आधार पर क्या है कि आप उसे कम प्रीमियम भी चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट है रेट ऑफ टैक्स रिबेट। देखिए कुछ पॉलिसीज ऐसे होते हैं जिसमें जो टैक्स की रियायतें मिलती है, ठीक है ना, यदि आप ऐसे इस प्रकार की जो टैक्स रिबेट बेस्ड पॉलिसी आप खरीदते हैं तो आपको जो टैक्स में है वो छूट मिलती है, और उसके आधार पर भी जो प्रीमियम है जिसमें ज़्यादा छूट मिलती है तो उसमें ज़्यादा प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। छूट यदि कम है किसी पॉलिसीज में तो उसके लिए आप कम जो छूट कम का मतलब यदि जैसे किसी में जैसे 80C वगैरह की जो रिबेट मिलती है तो उसको ध्यान में रखा जाता है इसमें जो प्रीमियम डिसाइड करते समय। नेक्स्ट है रेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। देखिए जो आपका कॉम्पिटिटर है जो आपके समान ही बीमा पॉलिसी सेल कर रहे हैं उसका जो प्रीमियम का रेट क्या है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज क्या होगा कि यदि आप ज़्यादा प्रीमियम उसके लिए फिक्स कर देते हैं तो आपके पास कोई व्यक्ति नहीं आएगा बीमा करवाने के लिए, और फिर बीमा का जो अट्रैक्शन है, इंश्योरेंस का अट्रैक्शन है, वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए प्रीमियम है वो ऐसा होना चाहिए कम से कम हो, ताकि बीमा जो लोग हैं वो आसानी से बीमा करवा सके। और एक बात ये भी ध्यान रखना है, इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि जो बीमा कंपनी है वो बीमा व्यवसाय सफलतापूर्वक संचालन नहीं कर सके, ठीक है ना। तो प्रीमियम रीजनेबल होना चाहिए, आप बीमा कंपनी के लिए भी सही हो और बीमित के लिए भी सही हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।